करने वाले होते, अगर वही देश के अगर उदाहरण का प्रतीक होते तो जितने भी महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं, बाबा साहेब से लेके ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, पेरियार, कबीर साहेब, आदर काशीराम, इन लोगों ने कभी भी अपना घर परिवार, गाड़ी बंगले या बड़े बड़े अपनी कोठी, अपने बड़े पद पद कभी भी इन्होंने नहीं, इन लोगों ने उनका देश के लिए बड़े बड़े सुख साधनों को त्यागा है। इन महापुरुषों ने इकट्ठा नहीं किया, इकट्ठा किया तो ज्ञान इकट्ठा किया, अनुभव इकट्ठा किया, एक ऐसी चेतना जगाने के लिए अपने आप एक विवेक ऐसे को पैदा किया कि किस तरीके से देश के अंदर मैं उन लोगों की सत्ता को, उनके हुक्मरान को दोबारा बनाने के लिए वो प्रयास करूं जिनकी सत्ता, जिनका शासन इस देश में किसी न किसी धोखे से निरंतर से छीन लिया गया है। आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं आपके हुक्मरानों से कि अगर राम मंदिर वहां है तो कहां है राष्ट्रीय बोध विहार जो सम्राट अशोक ने बनाए थे, कहां है हमारे शिलालेख जो सम्राट अशोक ने बनाए थे, कहां है हमारी संस्कृति जो सम्राट अशोक के समय में देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर महान होती थी, कहां है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, कहां है सिंधु घाटी सभ्यता, कहां है मौर्य डायनेस्टी, कहां गया हमारा साम्राज्य जिस टाइम के देश के शासक हुक्मरान होते थे। बाबा साहब ने ऐसा ही नहीं कहा कि तुम ही देश के हुक्मरान हो, जाओ तुम्हें देश के शासक हो। बाबा साहब कोई ऐसे कोई साधारण आदमी नहीं थे। उन्होंने एक लाइन में एक बार बोली थी, द इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्ट्रगल बिटवीन द हिंदुइज्म एंड द बुद्धिज्म। भारतीय इतिहास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि देश के अंदर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के बीच में टकराव है, और ये टकराव हजारों साल से, ये टकराव सदियों से। इस टकराव के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े जो ना अपने आप को त्याग समर्पण किया है, यहां तक उनका वध कर दिया गया है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये किसी काम या यहाँ के एमएलए की बनाने की लड़ाई नहीं चल रही है, या संस्कृति इतिहास बना के इन लोगों को शासक बनाने का काम चल रहा है। मैं बड़े 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 होश में कहना चाह रहा हूँ जो बीएसएनएल से काम कर रहा है, बहुजन समाज के उन लोगों के अंदर नेतृत्व पैदा कर रहा है जो लोग कभी बोल नहीं सकते थे, मैं ऐसे संगठन को और ऐसे संगठन के नेतृत्व वालों को सैल्यूट करता हूँ। और मैं ये भी आश्वासन करता हूँ कि मैं भले ही राजनीति कहूंगा, मैं कह रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं भले ही डॉक्टर हूँ लेकिन मैं एक प्रोफेसर की तरह काम करता हूँ करूंगा, लेकिन मैं ये भी आश्वासन देता हूँ कि मैं इस तरह के काम में जहाँ मैं समाज निर्माण काम हो, जन जागृति हो, जहाँ देश के अंदर जागरूकता का अभियान हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, मेरा हमेशा आपको साथ मिलेगा। और मैं दिल्ली में इसको बढ़ चढ़ इसके लिए मैं तन मन धन से काम करूंगा। साथियों, आज विषय ये नहीं है कि हमें राम मंदिर बनाना है, आज विषय ये भी नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद बनानी है, आज विषय ये है कि देश की 85% जनसंख्या, अगर वुमेन डेवलपमेंट की बात करें तो आज भी भारत जो है बांग्लादेश और सोमालिया से नीचे आता है। आज भी देश के अंदर लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट और यहाँ की चिकित्सा रोजगार देश के बड़े से बड़े बैकवर्ड कंट्री से पीछे आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश को मंदिर की जरूरत है या देश के अंदर शिक्षा चिकित्सा रोजगार की जरूरत है। ये मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों के नाम पे भटकाया जाता है, आप लोगों को उन मुद्दों के माध्यम से लड़ाया जाता है। आप तो बोले वाले थे बुद्धिस्ट लोग, आप लोग इतने शांति प्रिय लोग हो, इतने अच्छे और सुलझे हुए लोग हो कि किसी की बात में भी आकर अपने आप को कहीं पर भी ले जाकर करने के लिए तैयार हो जाते हो। या आप लोगों को मुसलमान न लड़ाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के अंदर जो SC ST OBC के लोग, जो वास्तव में बुद्धिस्ट लोग रहे हैं, जो वास्तव में देश के गुमनाम मूल निवासी लोग रहे हैं, जिनकी अलग न एक अलग नस्ल है, अलग संस्कृति है, वो लोग तो हिंदू धर्म के गुलाम है, वो लोग हिंदू धर्म को जबरदस्ती थोप के उसको ढो रहे हैं, उसके एजेंट बने हुए हैं, उसको चलाने का माध्यम बने हुए हैं। जिस दिन ये लोग उस हिंदू धर्म की व्यवस्था से, उस गुलामी से मुक्त हो गए तो हिंदू धर्म धराम से नीचे करके खत्म हो जाएगा और देश में देश के अंदर बुद्धिज्म महान हो जाएगा। ये बात वो लोग जानते हैं, हम नहीं जानते, इसलिए वो हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे ताकि कहीं हिंदू अपने आप को, आपके जो SC ST के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो कहीं पर जाके अपने आप को इसके लिए तैयार ना कर लें, कहीं वो होश में ना आ जाए, कहीं अपना धर्म ना बना ले, कहीं अपनी राजनीति ना करने लग जाए, कहीं सत्ता ना मानने लग जाए, कहीं अधिकार ना मानने लग जाए, कहीं देश ना मानने लग जाए। इसलिए उन लोगों में डर हो गया है, और डर क्या हो गया है कि आज देश के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर और भारत के संविधान, जिसके माध्यम से देश का मूल निवासी, बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज में
जो थोड़े से समय के अंदर मुश्किल से 70 साल की आजादी के अंदर आज इस देश के अंदर हम डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ गए हैं और आने वाला समय हमारा ऐसा हो गया था कि हम देश के पीएम और सीएम बनने वाले थे, लेकिन वो थोड़ी सी चूक हो गई कि जो हमारे देश के अंदर लीडर थे जिन्होंने देश की सत्ता को संभाला, उन्होंने देश की क्रांति आंदोलन को जो वास्तव में क्रांति आंदोलन के रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे, उस क्रांति आंदोलन को कहीं जाके पार्टी के माध्यम से खत्म कर दिया। अगर उन्होंने उस पार्टी के माध्यम से आंदोलन क्रांति को ही चलाया होता, बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ही टिकट देकर लोगों को नेतृत्व पैदा किया होता, उन्हीं गुंडे बहनों के देश के अंदर हुक्मरान रहने की अच्छी नीयत रही होती, तो मैं आज दावे से कहता हूं कि हमारी आज हमारी पार्टी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री का कार्य कर रही है। आज अगर हमारा नेतृत्व खतरे में आया तो क्यों आया है? क्योंकि हमारी विचारधारा का खतरा हुआ है, क्योंकि महापुरुषों ने क्या खतरा किया है? अरे हम बाबा साहब कांशीराम या बड़े बड़े सर नारायण गुरु या पेरियार या हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज या हमारे जो नाम ज्योतिबा फुले इनका नाम तो लेते हैं, लेकिन जब कोई भी आदमी राजनीति की बात करता है तो आदमी तुरंत जो है इस समाज को भूल जाता है और उनको पकड़ता है जो मोटे मोटी रकम देता है और मोटे मोटे उनके लिए बदौलत की व्यवस्था करता है। ऐसे सत्ता नहीं आती है, ये आंदोलन है, ये क्रांति है। हम आज भी ये आग्रह करना चाहते हैं यहाँ के नेतृत्व करने वालों से, आज भी तुम होश में आ जाओ, आज भी तुम देश के अंदर क्रांति आंदोलन खत्म मत होने दो, तुम पार्टी चलाओ तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, देश के अंदर राजनीति करो तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन तुम क्यों भूल रहे हो कि आज भी देश के अंदर कम से कम 85% इस देश का मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी की बात करें, आज भी देश के अंदर क्रांति आंदोलन के लिए मरने के लिए तैयार है और नई सत्ता शासन लेने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करने के लिए एकदम से तैयार खड़ा हो चुका है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग सत्ता के पागल हो गए हैं, हमें भूख हो गई है, हम तड़प रहे हैं, इंपेशेंट हो गए हैं, हमें तो सत्ता चाहिए, हमें पद चाहिए, ऐसे सत्ता नहीं मिलने वाली। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो आपका साम्राज्य छीना गया है, आपकी संस्कृति मिटा दी गई है, आपके महापुरुषों को और आपकी संस्कृति इतिहास को और आपके बड़े से बड़े देश के अंदर जिन्हें देश सोने की चीजें कहलाता था, जिन्हें देश पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका बर्मा तक ये देश होता था, वो देश कहां गया? कहां गई वो संस्कृति? कहां गया वो इतिहास? कहां गई वो हमारे देश के पुरुष हमारे पुरुषों का वो सब जो संघर्ष, वो सब खत्म कर दिया गया। उस संघर्ष को, उस संस्कृति को इतिहास को दोबारा जिंदा करने के लिए हम लोगों को ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के अंदर अपने तन मन धन की बाजी लगाकर, मैं तो यहां तक ऐलान करता हूं कि आज हमें नौकरी ना करके नौकरी त्यागनी चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए ताकि आने वाले बच्चों के लिए हम नौकरी को प्राप्त कर सके। हम अपने अपने पदों में फंसे हुए हैं, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना बीसी डायरेक्टर बनने की लोहोक लगी हुई है, समाज को भेज देते हैं, एमएलए भी बन के 131 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, लेकिन समाज के लिए एक कदम भी हम कहीं पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आज समय त्याग का है, आज समय बलिदान का है। अगर बात महापुरुषों की करते हो तो इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ लो। इन महापुरुषों ने कभी अपने घर परिवार या अपने लिए कभी कुछ कोई चीज नहीं सजोई, इन्होंने देश को दिया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, संघर्ष किया है, जूते खाए हैं, लाठियां खाई हैं, अपने आप को बलिदान किया है, उस क्रांति को आप लेकर चले। उस क्रांति के लिए अगर आप अपना घर बदल बनाने आए हो या अपने पद बदल लेने आए हो या अपनी सत्ता लेने आए हो तो भूल जाओ, तुम देश के अंदर शासक बन जाओ। इसलिए साथियों, हिंदू धर्म अब तुम्हें फैसला करना है कि रामराज के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं तुम्हारे सामने एक सीधा क्वेश्चन करता हूँ, क्या तुम देश के अंदर हिंदू हो? अगर तुम हिंदू हो तो जाओ लड़ो रामराज की लड़ाई, मंदिर की लड़ाई लड़ो तुम, और रामराज की तुम्हें पता है कि रामराज के अंदर तुम्हारा क्या हाल होता था? रामराज वो राज है, ठीक है, कोई एक महापुरुष किसी एक विशेष वर्ग के लिए आइडियल हो सकता है, उनके लिए अच्छा काम कर सकता है, जैसे आज भी देश के अंदर हुक्मरान जो लोग हैं हम जानते हैं वो देश के सबसे बड़े पावर पे बैठे हैं, लेकिन काम किसे के लिए किसके लिए करते हैं? अरे उनके लिए करते हैं जिन लोगों ने उनको वहां पर बिठाने का काम किया है। तो साथियों, ये आपकी लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके संघर्ष की लड़ाई है, आपके महापुरुषों की लड़ाई है, आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आपके शासक बनने की लड़ाई है, आपके देश की लड़ाई है, आपके इस देश के अंदर संस्कृति इतिहास की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर अगर आपने वास्तव में ईमानदारी से काम नहीं किया और पद और किसी कद के लालच के बगैर और बगैर किसी द्वेष और लोभ लालच के इस चीज को नहीं आगे बढ़ाया तो बहुत कम समय में आपका ये जो हम यहाँ पे आज बोल रहे हैं, इतना बड़ा हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हौसला करके देश के अंदर आपको दगर काम कर रहे हैं, शायद ये मौका भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं बता सकता इस एक एक लाइन में यहाँ पे कि संविधान खतरे में है, मैं नहीं कह सकता, जैसे हमारे साहब ने भी पहले बोला संविधान नहीं बदल सकते। अगर मैं 2 मिनट बोलूं तो संविधान के अंदर ना तो तुम्हारी नौकरी बची है, ना संविधान के अंदर धर्म निरपेक्षता बचा है, ना संविधान के अंदर डेमोक्रेसी बची है, ना संविधान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
कंसंट्रेशन बचा है, ना सिर्फ धर्म में तुम्हारे पास न्याय बचा है, ना सिर्फ धर्म तुम्हारे पास आगे बढ़ने के मौके बचे हैं, ना सिर्फ धर्म तुम्हारे पास किसने के बोलने की आजादी बची है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान एक सिर्फ ग्रंथ के नाम पे जिंदा है? क्या संविधान एक पुस्तक के नाम पे जिंदा है? अरे देश के सारे संसाधन जहां तुम्हारा हक था, जहां तुम बढ़ के आगे नौकरी लेके देश के अंदर प्रतिष्ठित कर सकते थे, एक रिजर्वेशन माध्यम था। जैसे मेरे से पहले किसी साथी ने बताया कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, पीएसयू गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशन, रनिंग इंस्टीट्यूशंस, उनको घाटे में डालकर खत्म करके प्राइवेट हाथ में दे दी। तो कहां है आपकी प्रेजेंटेशन, कहां है आपकी रिजर्वेशन? अरे जब तुम कितने ही पढ़ जाओगे, कितने ही अच्छे अच्छे से स्कूलों से कॉलेज से डिग्री लेके आओगे, तुम्हारे पास अगर मौका ही नहीं होगा आगे बढ़ने का, रिजर्वेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, तुम्हारे पास वैकेंसी नहीं होगी, तो तुम लोग किस बात किसकी लड़ाई लड़ोगे भाई? क्या अंबानी रानी घर जाके नौकरी मांगोगे? क्या किसके पास नौकरी मांगोगे? उसके बाहर जाके उसके बाद में हाजिर होते हो? तो ऐसे कई लोग बनाने जा रहे हैं। संविधान को खत्म कर दिया है, खतरे में नहीं खत्म कर दिया है, बस इतनी जरूरत है कि संविधान को बिल्कुल रिप्लेस करना वो इतना मुश्किल है, वो तुम जानते हैं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए भैया इन लोगों की संस्कृति है जो धोखे की है, जो मारपीट की है, षड्यंत्र की है, शाम नाम दाम दंड भेद की संस्कृति है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को देश के अंदर एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभानी पड़ेगी, एक बुद्धिजीवी की भूमिका निभानी पड़ेगी, और निर्भय और निडर होकर, निर्भय और निडर होकर और ज्ञानवान होकर देश के अंदर एक क्रांति का आंदोलन आपको पैदा करना पड़ेगा। ऐसा मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि शायद आप रहे कहना है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां ये याद करें कि खत्म क्रांति का आदमी समाज के निर्माण में कहीं पर भी कोई अत्याचार बलात्कार होता है उसका प्रोटेस्ट करते हैं, जागरण करते हैं, संविधान पढ़ाते हैं, और बाबा साहब और देश के अंदर संविधान को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज और हमारे देश के अंदर जो हमारे इतिहास संस्कृति को जिंदा करने के लिए और दोबारा से देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए हमने प्रण लिया है, हमने ठाना है कि हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, कभी टिकेंगे नहीं, कभी टिकेंगे नहीं, ऐसा ऐलान करते हैं। और ऐसा अगर आप वास्तव में हमारे साथ सहमत है, अगर वास्तव में देश के अंदर क्रांति करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा सकते हैं, घर परिवार बीवी बच्चे त्याग सकते हो, अपने ऐश्वर्य से बाहर आ सकते हो, अपनी जिंदगी का दम निकाल सकते हो, देश के लिए समाज के लिए कुछ दे सकते हो, तो हमारे साथ आइए, वरना आप लोग इस काम में शायद हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई सूरवीरों की लड़ाई है, ये योद्धाओं की लड़ाई है, ये देने वालों की लड़ाई है, ये दानियों की लड़ाई है, इसलिए मांगने वालों की या भिखारियों की कोई जरूरत नहीं है। हम भिखारी नहीं बनने वाले हैं, हम ही देश के अंदर नेतृत्व पैदा करने निकले हैं। हम चाहते हैं कि तुम जाति का समीकरण भी बढ़ाओ, जाति को मजबूत भी करो, तो जाति के नाम पर जाके अपने लोगों के लिए एमएलए एमपी की टिकट मांगो और अपना हिस्सा मांगो, देश के अंदर जमीन भूभाग में हिस्सा मांगो, जमीन आसमान में हिस्सा मांगो, मीडिया और माफिया के अंदर हिस्सा मांगो, इस देश की संस्कृति इतिहास में हिस्सा मांगो। अरे ये देश तुम्हारा है, ये संस्कृति तुम्हारी है, ये देश का सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे धोखे से लूट दिया गया है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे से तुम्हारे साथ में इस तरीके से करके तुम्हें दलित बना दिया गया है, लेकिन अब समय आ गया है, सारी चीज आपके पक्ष में है, भारतीय संविधान आपके पक्ष में है, बाबा साहब आपके महापुरुष हैं, इस देश की जनसंख्या आपकी है, इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज आपका है, इस देश की जनसंख्या आप सारी आपके पक्ष में है, ये देश आपका है, देश की संस्कृति आपकी है, देश का इतिहास आपका है, देश के मूल निवासी शासक रहे हो, और अब समय आ गया है कि आने वाले देश का शासक वर्ग भी हमारा होगा और हम शासक होंगे, और ऐसा ऐलान करते हैं और ऐसा आप लोग विश्वास दिलाते हैं, और इस बात से जिस बात से सहमत हो, क्रांति आंदोलन के लिए तरफ तैयार हो, वास्तव में देश के अंदर जाकर के लिए जी जान से भागने के लिए वास्तव में आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, तो एक बार जोश आवाज आनी चाहिए। और बीएससीएस के लिए हम दिन रात काम करके दिल्ली के अंदर, मैं एलजीएफ कराची का संयोजक हूँ, हमारे दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर तहलका मचाएंगे, नॉर्थ इंडिया में तहलका मचाएंगे, बाबा साहब भारतीय संविधान और देश की संस्कृति इतिहास को, मूल निवासी बहुजन समाज को देश का शासक बनाएंगे, और आने वाले बच्चों को फख्र से कहलाएंगे कि हम भी थे और हम भी हैं और हमने देश में कुछ काम किया है। इसलिए एक बार जोश आवाज आनी चाहिए, मेरी बात से सहमत हो, अगर मेरी बात से सहमत हो जोश आनी चाहिए, नहीं तो आवाज नहीं आनी चाहिए। मुझे लगा कि मेरी बात सहमत हो, इसलिए जोश से नारा लगाओ,